हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ सुबह हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे पोहे, और मैं अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, हमेशा मैं अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे करती हूँ। सबसे अच्छा तरीका है हेल्दी रहने का। तो बस पोहे तैयार कर लिए हैं मैंने, और इतने में ही दामिल उठ गया है। अब मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। दामिल, कैसे खेल रहे थे बच्चे? आप जरा बताना, कैसे बातें करते हो? आप सबको बता दो कैसे बातें करते हो, आप बोल के बता दो, अल्लाह अल्लाह बोल के बता दो। बच्चू कैसे खेल रहे थे अभी, आप बताओ जरा, सबको बोलो हाय, शाम कर दो, शाम शाम माम, शाम माम भाई, शाम माम। और सुबह सुबह यहाँ लूसी बैठ के मेरे साथ खेल रही थी। इससे बाहर देखना बहुत पसंद है, विंडो से बाहर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी और थोड़ी जो चिड़ियाएँ हैं उनको देख के इसे बड़ा मज़ा आता है। तो बस यही सब चल रहा था। और अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में बन रहे थे कोफ्ते, तो कोफ्तों का ही बस मैं सारी प्रिपरेशन रेडी कर रही थी। तो सारे गरम मसाले मैंने एक प्लेट में इकट्ठे करके रख लिए हैं, जितने भी लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सारे मेरे मसालों वाला कॉलम है। तो इसमें ऊपर से चिट्स जो है वो चिपके हुए हैं, तो मुझे देखने में आसानी होती है कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। कोफ्तों की बॉल्स रेडी करने के लिए जो बेसन होता है उसे भूनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसमें जो एक बाइंड, अच्छा बाइंड आ सके। गरम गरम तेल में जब ये मसाले डलते हैं तो बड़ा ही डर लगता है मुझे, इसलिए मैं पहले ही दूर हो जाती हूँ। अगर गलती से भी कोई छींटा लग गया तो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, इसलिए मुझे ख़ासतौर से बहुत डर लगता है। इसीलिए मैं बहुत केयरफुली इन सब चीज़ों को डालती हूँ। अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है उसे अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसमें कच्ची स्मेल आती है। इसलिए मैं हमेशा टाइम देखकर इसे अच्छे से भूनती हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी को हमेशा चेक करती रहती हूँ कि जब तक ये मसाला अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे तब तक मैं इसे भूनती हूँ। इसी बीच जो लूसी है, हमारी कैट, वो हमारी हाउस हेल्पर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उन्हें काम नहीं करने दे रही थी, उनको सफाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि इसे ऊपर भगा दिया जाए, तो बस मैं इसको ऊपर लेकर जा रही थी। ये बड़ी शैतान है, जब भी झाड़ू पोछा होता है घर में तो इसको आगे पीछे ज़रूर घूमना होता है, जिससे छोटे बच्चे नहीं होते एकदम काम नहीं करने देते, वैसे हमारी ये लूसी है। तो बस ये आ चुकी है ऊपर, और जब तक पोछा लगेगा तब तक ये ऊपर ही रहेगी। दामिल जो हैं कल माशाल्लाह से 4 मंथ के पूरे हो जाएंगे, और इसी के लिए मुझे कुछ प्रिपरेशन भी करनी है, उसका फ़ोटो शूट भी करना है, क्योंकि मंथली जो फ़ोटो शूट होता है वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी बन के रह जाता है। तो हम लोग जो हैं आजकल, सभी पेरेंट्स, हम ही नहीं, बच्चों का फ़ोटो शूट ज़रूर करते हैं मंथली, ताकि ये यादें हमारे साथ हमेशा रहें। अभी तो मैंने कोई ड्रेस सेलेक्ट भी नहीं करी है कि क्या मुझे दामिल को पहनाना है। मेरे पास 3-4 ऑप्शन हैं, तो बस आज रात को हम डिसाइड करेंगे कि कल से क्या पहनाना है। लूसी जो है ऊपर बैठ के सब कुछ, सारे नज़ारे देख रही है, इसे तब तक ऊपर रहना जब तक झाड़ू पोछा पूरा नहीं हो जाता है। दामिल को हमेशा अपने पास कोई ना कोई चाहिए ही होता है, ये बच्चा अकेला बिल्कुल नहीं रहता है। इसीलिए जब तक मैं काम कर रही थी तो ये अपने दादा के साथ खेल रहा था झूले में। इसे सच में अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मतलब कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं उनको कोई ना कोई चाहिए होता है, या तो कोई टॉय चाहिए होता है। दामिल को जब भी सुलाना होता है तो बस इसी तरह झूला झुलाते रहो, धीरे 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 अपने आप बच्चा जो है खेल कर और फिर अपनी मस्तियाँ करके और एकदम से सो जाता है। तो ये अच्छी टेक्निक है बच्चों को सुलाने के लिए कि उनको बस झूला देते रहो, तो अपने आप खेल के बच्चा सो जाता है।
मैं जा रही हूँ किचन में अब अपना काम निपटाने के लिए, क्योंकि बन रहे हैं कोफ्ते और कोफ्तों की जो प्रिपरेशन है वो मेरी अभी आधी बाकी है, बॉल्स बनाना अभी बाकी है, तो मैं जा रही हूँ किचन में। अच्छा, मुझे इसी बीच एक बात याद आई, जब भी हमारे घर में बचपन में कोफ्ते बना करते थे तो हम सारे जो बच्चे हैं कजन्स वगैरह सब आके बैठ जाया करते थे अपनी दादी अपनी अम्मी अपनी चाची के पास में, और कहते थे कि हमें भी ये बोल बनानी है। तो बड़ा ही मज़ा आता था बचपन में छोटी छोटी बोल्स बनाने में। क्या आप भी मेरी तरह करते थे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सर्दियों में स्पेशली जो है कोफ्ते के साथ में हमेशा मक्का की रोटी जो है वो बनती है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर रहता ही है। तो मुझे तो बड़े ही पसंद है कोफ्तों के साथ में मक्का की रोटी को खाना। और सर्दियाँ मौसम ही ऐसा है कि हम बस ऐसा लगता है कि बस खाते जाओ बस खाते ही रहो। सर्दियों में स्पेशली भूख ज़्यादा लगती है, तो मैं तो कहूँगी कि हमेशा इन्जॉय करना चाहिए मौसम के साथ, अपनी डाइट को मेनटेन करते रहना चाहिए। लूसी जो है अपना डेली रूटीन पूरा कर रही है, ये जो है धूप में आके ज़रूर बैठती हैं बाहर, उसे धूप में बैठना बहुत पसंद है। सर्दियों में किसे धूप पसंद नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। दामल नाई ऐसे हाथ नहीं खाते, हाथ हटाओ। नो, शैतान हो गया है बच्चा। नो ऐसे कलेगा बाबू, कहा देख लियो। तो बन चुके हैं मेरे कोफ्ते, अब मैं जा रही हूँ लंच करने, तो मैं खा के बताती हूँ कि कैसे बने थे, क्योंकि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करा है। कर लिया मैंने लंच, अब मुझे जो है दामिल का कल 4 मंथ का फोटो शूट करना है, तो उसी की प्रिपरेशन करनी है। तो मुझे थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी ड्रेस पहनानी है, किस तरह फ़ोटो शूट करना है। अगर आपको उसके फ़ोटोज़ देखने हैं कल, तो उसकी इंस्टाग्राम जो आईडी है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं उसकी इंस्टा आईडी पर। और मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे शेयर करिए। मेरे चैनल का नाम है लाइफ विद ज़ील। बाय बाय। अब जो है दामिल आप सब लोगों को बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।